हेलो प्रिंस, नमस्कार। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई। ठीक है, देखो कैसी अच्छी दिख रही है ह्यूमन आई। ये जितनी बड़ी दिख रही है एक्चुअली इतनी बड़ी होती नहीं। ये जो पूरा आई बॉल दिख रहा है ना, इसकी लेंथ एक इंच के जितनी होती है, इतनी एक इंच के जितनी। ठीक है, वो एक मूल में ऐसा करके बाहर निकालते थे, पता है वो पूरी क्या थी, आई थी। ठीक है, ओके, उसके बारे में अभी हम नहीं सोचेंगे। तो इसको आप ध्यान से देखो क्या क्या है आई है। ठीक है, और ये आई क्या करती है आप सबको पता है, दैट वी विजुअलाइज दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग मैजिकल वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ दिस आई। ठीक है, इस आई से हम पूरा यूनिवर्स देख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत मैजिकल ऑर्गन है जो भगवान ने हमें दिया है, एक नहीं दो। ठीक है, कभी कभार अच्छे से वर्क नहीं करती तो हमें ऐसी कुछ चीज पहननी पड़ती। ओके, कोई बात नहीं, तो चलो एक एक पार्ट इसका डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं ये पहले कवरिंग से। ये पहला कवर क्या है, कॉर्निया। क्या है ये, कॉर्निया, कवरिंग ऑफ द आई, या तो आप बोल सकते हो आउटर कवरिंग ऑफ आई। इसका फंक्शन क्या है, वो थोड़ा मतलब कि मॉइस्चर बनाए रखना, और एक दूसरी बात ये कि ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट आई फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, बाहर से प्रोटेक्ट करती है, किसी को अंदर नहीं आने देता, मतलब कि ये कचरा वचरा सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा और जैसे ही वो आएगा आपको प्रॉब्लम होगा और पानी आएगा। ठीक है, इस चीज से वो कचरा निकल जाएगा। ओके, कोई बात नहीं, ये है कॉर्निया जो आउटर कवरिंग आपको दिखती है। हाँ, ओके, इसकी देखो ये कर्वेचर है ना, थोड़ी ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही लाइट आएगी इसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर से थोड़ी ज्यादा होगी, एयर जितनी नहीं होगी तो लाइट क्या होगी, यहाँ पर थोड़ी सी बैंड होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा बैंड इस कॉर्निया पे ही होती है। रीजन क्या है, देखो इसका कर्वेचर है, इसलिए ये क्या होती है, यहाँ पर बैंड होती है। ठीक है, हाँ, फिर कॉर्निया के बाद क्या आता है, इसके बीच में रखा होता है एक्वस ह्यूमर। देखो यहाँ पर होता है एक्वस ह्यूमर और ये होता है विट्रस ह्यूमर। क्या है ये, क्या है एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, ये है फ्लूइड ऑफ आई का फ्लूइड है। ठीक है, और ये क्या करता है, जो रेज आती है उसको रिफ्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, नियरली आई के जो जो पानी के जितनी 1.339 या 336 इतना बोल सकते हो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसकी, विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर की। ठीक है, ओके, देखो ये अपने आप को कैसे एडजस्ट करता होगा, हम दूर की चीज देखते हैं तो भी क्लियर दिखती है, पास की चीज देखते हैं तो भी क्लियर दिखती है। ठीक है, तो ये वेरिएबल करता रहता है अपने आप को, 1.333 से लेके 1.336 ऐसे वेरिएबल करता रहता है, ताकि क्या हो कि इमेज हमें कहां पर मिले, यहां पर रेटिना के ऊपर। ठीक है, हमने कॉर्निया डिस्कस किया, फिर डिस्कस क्या किया, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। अब डिस्कस करते हैं आइरिस। आपको दिख रहा है, हाँ, आइरिस क्या है, इट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई, एंटरिंग इन द आई। ये जो काला काला दिखता है ना, वो क्या है, आई से।
ठीक है, वो मसल्स का फाइबर का बना हुआ होता है और डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, किसी की आंख हरी होती है, किसी की नीली होती है, किसी की ब्लैक, मोस्टली ब्लैक होती है। तो ये इसी वजह से होती है आयरिश, ये आयरिश है वो ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट विच इज एंटरिंग इन द आई। अभी इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं हम, प्यूपिल, स्मॉल ओपनिंग। देखो इसको अगर ये जो साइड में था, अगर हम आगे देखेंगे तो हमारी जो आई है ये जो पूरा ब्लैक था और बीच में वो थोड़ा ओपनिंग होता है ना, हमारी जो पूरी जो ब्लैक अंदर होता है उसके अंदर जो थोड़ा सा ओपनिंग होता है ना, थोड़ा सा, ठीक है ना, आपको ध्यान से, आप ध्यान से देखिए आपको दिखेगा, इसको बोलते हैं प्यूपिल। ये पूरा ऐसा होता है, ये ऐसा दिख रहा है ना, इसको अगर हम देखेंगे तो ये पूरा ऐसा होता है और बीच में क्या होती है ओपनिंग। और वो ब्लैक क्यों दिखती है, क्योंकि उसमें जब लाइट आती है तब नियरली 100% अंदर चल जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, दैट्स व्हाई इट सीम्स ब्लैक, ऑलमोस्ट ब्लैक। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द प्यूपिल। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्यूपिल, स्मॉल ओपनिंग इन द आईज थ्रू विच लाइट एंटर्स इन आई। ओके, स्मॉल ओपनिंग थ्रू विच लाइट एंटर्स इन द आई, उसको हम क्या बोलेंगे, प्यूपिल। अभी क्या होता है कि जब लो लाइट कंडीशन होती है, लो लाइट कंडीशन मतलब कि सोचो कि आप कुछ काम कर रहे हो और लाइट चली गई रात को, ठीक है, तो आपको सडनली अगर आपको सोचोगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि किसकी वजह से होता है, देखते हैं। देखिए, लो लाइट कंडीशन में क्या होता है, साइज ऑफ प्यूपिल इंक्रीजेस। लो लाइट कंडीशन में इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, क्यों, तो ताकि ज्यादा लाइट एंटर हो सके, ठीक है, और ज्यादा लाइट अगर एंटर होगी तो हम किसी भी चीज को एकदम क्लियर देख सकते हैं। और ब्राइट लाइट कंडीशन साइज ऑफ प्यूपिल डिक्रीजेस। देखना आप वो जो काइट लाइन देखो यार, करो आप ऐसे 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 पतंग ऐसे कर रहे, फ्लाई कर रहे, ठीक है, और फिर क्या हुआ कि आप सडनली नीचे आए तो वहां पर तो इतनी लाइट नहीं होती जितनी स्काई में होती है, सन में होती है, ठीक है। तो जब ब्राइट लाइट होती है उस टाइम पर प्यूपिल की साइज कम हो जाती है, ठीक है, ताकि क्या हो कि एडेक्वेट अमाउंट ऑफ लाइट कैन एंटर थ्रू दैट ओपनिंग। ओके, अब क्या होता है कि सडनली जब हम किसी लो लाइट कंडीशन में चले जाते हैं तब प्यूपिल उतना ही होता है, दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस दैट हियर मोर अमाउंट ऑफ लाइट वाज एंटरिंग, व्हाई, दैट इज अ ब्राइट लाइट कंडीशन, ओके, बट हियर लो लाइट कंडीशन, देयरफॉर हियर दैट मच अमाउंट ऑफ लाइट कैन नॉट एंटर इन द प्यूपिल, सो व्हाट वी फील हियर समवॉट ब्लाइंडनेस, यहां पर हमें थोड़ा सा ब्लाइंडनेस दिखता है, यहां नहीं दिखता, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर हम आंखें बंद करके थोड़ी देर के बाद देखें तो प्यूपिल ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि यहां पर जितनी लाइट एंटर हो रही थी उतनी मतलब एडेक्वेट अमाउंट यहां पर लाइट एंटर हो सके, एंड देन आफ्टर कंफर्टेबली वी कैन ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट। देखो मैं एक दूसरी चीज बोलता हूं, अंधेरा है आप देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है, राइट, एंड सडनली सम लाइट कम, ओके, तो आपके आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज इन द लो लाइट कंडीशन साइज ऑफ द प्यूपिल इंक्रीजेस, एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड साइज लाइट एंटरिंग थ्रू दिस मच, ओके, एंड लो लाइट कंडीशन, दैट्स व्हाई इफ दिस मच ओपनिंग एडेक्वेट अमाउंट ऑफ लाइट कैन एंटर, बट सडनली व्हेन ब्राइट लाइट कंडीशन अकर्स देन इन थ्रू दिस मच वॉल
more amount of light will enter in the eye, which will create pain in this system. That's why we feel somewhat pain, and then after what happens, automatically size of the pupil decreases, and as the size of pupil decreases, again we find comfortableness. ठीक है, तो ये pupil बहुत ही important है हमारे eye में. अगर आपका pupil damage हो गया है तो problem हो सकता है. तो हमने pupil देखा, cornea देखा, iris देखा. आइरिस देख लिया, ओके. अब हम देखेंगे सिलियारी मसल. क्या देखेंगे? सिलियारी मसल. सिलियारी मसल क्या है? इट कंट्रोल्स थिकनेस ऑफ आईलेट्स. इट कंट्रोल्स थिकनेस ऑफ आईलेट्स. बच्चों, थिकनेस ऑफ द आईलेट्स आपको लग रहा होगा क्या छोटा फंक्शन है? नहीं, बहुत बड़ा फंक्शन है थिकनेस ऑफ द आई. ठीक है, कैसे? कि व्हेन रिलैक्स, व्हेन रिलैक्स, और दूसरा व्हेन स्ट्रेन. ये रिलैक्स है और ये स्ट्रेन. स्ट्रेन मतलब कि खींचे हुए. ठीक है, जब रिलैक्स होंगे, रिलैक्स होंगे मतलब कि ये थोड़े उधर चले जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये लेंस है, वो लेंस है. ठीक है, वो रिलैक्स हो गए, रिलैक्स की वजह से ये थोड़ा इधर खींच जाएगा और ये ऊपर, तो लेंस क्या हो जाएगा? लेंस बिकम्स थिन. लेंस बिकम्स थिन एंड व्हेन स्ट्रेन, lens becomes thick. ठीक, देखो रिलैक्स जब होंगे तब लेंस क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी? फोकल लेंथ इंक्रीज होगी. फोकल लेंथ देखो, दो लेंस है, ये है थिन लेंस और ये है थिक लेंस. तो अगर इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो मैं बोलूंगा f1 greater than f2. देखो, इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर इमेज बनेगी. ठीक है, और ऐसा कब होता है? जब हम बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं. ठीक है, व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग द फार ऑब्जेक्ट. ओके, तो क्या होता है कि रिलैक्स हो जाते हैं ये सिलियरी मसल और इजीली हम उस चीज को देख सकते हैं. लेकिन जैसे 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 वो ऑब्जेक्ट हमारे पास आता रहता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी थिकनेस इंक्रीज होगी, लेंथ बिकम थिक. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेन, ये इसकी लेंथ बढ़ाने वाले है, तो ये नीचे आएगा, मतलब कि ये क्या होगा, थोड़ा यहाँ पर थिक हो जाएगा. थिक होने की वजह से क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज होगी. देखना, इसकी फोकल लेंथ कैसी हुई? डिक्रीज हुई. अब फोकल लेंथ डिक्रीज होने की वजह से देखो, हम देखेंगे आगे जो डिफेक्ट वाला है उसमें आपको समझ में आ जाएगा. या तो यहां पर देख लो, फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो क्या होगा नियर ऑब्जेक्ट में, कि वो ज्यादा ऐसा उसका कन्वर्ट ज्यादा कर देगा, ज्यादा कन्वर्टिंग पावर हो जाएगा और वो इस तरह अपने आप को एडजस्ट करेगा. अकेला लेंस ही नहीं एडजस्ट करता, ये एक्वस ह्यूमर, ये विट्रस ह्यूमर, ये कॉर्निया सब मिलकर लाइट को ऐसे रिफ्रेक्ट करते हैं ताकि इमेज कहां पर बने? रेटिना पर. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास में आ जाता है तो क्या है, ये इतना स्ट्रेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कि हम किसी इमेज को, मतलब उस ऑब्जेक्ट को हम क्लियर नहीं देख पाते. नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होता है उसके लिए हम नियरेस्ट डिस्टेंस जहां पर हम इजीली देख सकते हैं वो है 25 सेंटीमीटर. ठीक है, उसको नियर पॉइंट बोलते हैं. ओके, और उससे अगर कम डिस्टेंस हो गया तो सिलियरी मसल को ज्यादा स्ट्रेन होना पड़ेगा, जो वो इतना नहीं कर सकते. ठीक है, छोटे बच्चों में ये अच्छे वर्क करते हैं, तो उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है, 6 या 7 सेंटीमीटर इतना पाया गया है. नॉर्मल ह्यूमन बींग में 25 सेंटीमीटर, लेकिन जैसे एज होती है
फेल होती है अबव 50, तो ये इतना स्ट्रेन नहीं हो सकते, जिसकी वजह से नियर पॉइंट थोड़ा सा दूर चला जाएगा, इतना पास में नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगर ये सीलियरी मसल अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, दूर के या पास के ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से देख सकते हो। ठीक है, एक चीज हम यहाँ पर लिखेंगे, एकोमोडेशन ऑफ आई। एकोमोडेशन क्या है? चेंजिंग द थिकनेस ऑफ लेंस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? अकोमोडेशन। ये जो प्रोसेस थी ना थिकनेस चेंज करने की, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अकोमोडेशन। अब ये लेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्रिस्टलाइन होता है सबसे पहले, तो कैसा लेंस होता है? थोड़ा सा क्रिस्टलाइन। ठीक है, और फ्लेक्सिबल होता है, जो यहां पर ऊपर सॉफ्ट एट द एंड हार्ड एट मिडल, मिडल में हार्ड होता है और ऊपर सॉफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा खींच सकते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली होती है 1.396, या तो आप नियरली 1.4 बोल सकते हो। ठीक है, ये और ये अपनी थिकनेस को चेंज कर सकता है। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों का काम कर सकता है। कौन? ये आई लेंस। आई लेंस नहीं बोलेंगे, सिर्फ लेंस बोलेंगे। इन सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे? आई लेंस। सबको, किसको? कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर और लेंस, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे? आई लेंस। ठीक है, ओके। और आखिर ये सब काम किसके लिए करते हैं, क्या होना चाहिए? तो इमेज कहां पर बननी चाहिए? रेटिना पर। रेटिना को हम क्या बोलते हैं? स्क्रीन ऑफ आई। ठीक है, आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा होगा रेटिना को क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्रीन ऑफ आई। ओके, हियर रियल इमेज इज फॉर्म्ड, रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। ठीक है, यहां पर रियल इमेज फॉर्म होती है। इमेजरी ऑब्जेक्ट अगर लिया तो उसकी रियल इमेज भी फॉर्म होगी। ठीक है, देखो ऐसा मतलब कि हमने पहले बहुत पहले डिस्कस किया था कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या डिफरेंस है। तो वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं ला सकते और रियल इमेज को स्क्रीन पे ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सेप्शन है। हम रेटिना है, इस रेटिना में हम वर्चुअल इमेज मतलब कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हम रियल इमेज बना सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल आप शीशे में देख रहे हैं, आप जब शीशे में देखोगे तब आप अपने आप को देखोगे, आपको अपनी इमेज दिखाई देगी, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा अपनी रेटिना के लिए, सॉरी अपने लेंस के लिए। तो लेंस उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाएगा, कहां पर? रेटिना पर। तो मतलब कि ऐसा अगर कोई बोले कि क्या वर्चुअल इमेज ऐसा हर बार ऐसा कंपलसरी है कि नहीं बन सकती, तो नहीं, हमारी ह्यूमन आई में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो यहाँ पर बना सकती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत मिलियंस ऑफ मसल्स है यहाँ पर। ठीक है, मिलियंस ऑफ सेल इट कंटेन्स। ओके, इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ सेल्स। ओके, पहला सेल है रॉड्स और दूसरा सेल है कॉन्स। पहला सेल क्या है? रॉड्स, और दूसरा सेल है कॉन्स। ये दो नाम के सेल उसमें होते हैं, बहुत बहुत सारे भी होते हैं, लेकिन वो आप बायोलॉजी में देखें। यहाँ पर हम देखेंगे रॉड और कॉन्स। रॉड किसके लिए है? ये है लो इंटेंसिटी के लिए है, इसके लिए है लो इंटेंसिटी।
और कौन किसके लिए है, ये है हाई इंटेंसिटी और कलर, हाई इंटेंसिटी और कलर। अगर आपके रॉड्स अच्छे वर्क कर रहे हैं तो मतलब कि आप थोड़ी थोड़ी लाइट होगी तो भी आप थोड़ा देख सकते हो। अगर आप रॉड आप अगर आपके रेटिना के रॉड वर्क नहीं कर रहे रॉड गेट्स डैमेज, अगर रॉड डैमेज हो गए तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस आ सकता है। कहने का मतलब क्या है कि लो इंटेंसिटी जब होगी तब आप देख नहीं सकते। और अगर आपके कॉन्स डैमेज हो गए, कॉन्स गेट्स डैमेज, तो आपके में प्रॉब्लम हो सकता है किसका, कलर ब्लाइंडनेस। किसका प्रॉब्लम हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस का। ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, रेटिना के बारे में। ओके, ये किसके बारे में, इसमें क्या होता है, रॉड्स और कॉन्स, ये सब आप पोज करके नोट करते जाना। ठीक है, एक पॉइंट और बाकी रह गया है जो हम देखते हैं, वो क्या है, ऑप्टिक नर्व। अब ये ऑप्टिक नर्व क्या करते हैं, जो भी इमेज बनती है यहाँ पर इमेज, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक मैसेज सिग्नल होता है। ठीक है ना, ट्रांसफर्स मैसेज सिग्नल टू ब्रेन, ठीक है, ब्रेन को वो सिग्नल ट्रांसफर करता है कि हाँ ऐसा सिग्नल आया, जैसे हम ऐसे ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा ऐसे ऐसे सिग्नल जनरेट हुए, ये ऑप्टिक नर्व किसको लेगा, ब्रेन को, और ब्रेन बोलेगा हाँ भैया क्या ये चौक है, अच्छा ये हाथ है। ठीक है, अगर ऑप्टिक नर्व अच्छा वर्क नहीं कर रहा है तो आपको मतलब कि देखने में या थोड़ा सा किसी चीज को अंडरस्टैंड करने में, कितनी दूर है कितनी पास से आ रही है उसकी वेलोसिटी जानने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये तो देखा हमने बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ ह्यूमन आई। ठीक है, पोज करके इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई। ओके, क्या स्टडी करेंगे, डिफेक्ट। ओके, तो देखते हैं डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे डिफेक्ट है लेकिन डिटेल में हम ये दो डिफेक्ट पढ़ेंगे जो आप देख रहे हो, अपने टेस्ट पे भी इसको देखा होगा। पहला है मायोपिया और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। ये है मायोपिया और ये क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया क्या होता है, इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। इसको क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस, मतलब कि आप नजदीक का देख सकते हो, दूर का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। इसको क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। ठीक है, पहला डिफरेंस आपको पता चला कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो बंदा है जिसको ये मायोपिया का प्रॉब्लम हो गया है वो नजदीक की जो चीज है उसको देख सकता है लेकिन दूर की चीज है उसको नहीं देख सकता। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गया कि दूर की चीज को देख सकता है लेकिन नजदीक की चीज को नहीं देख सकता। ठीक है, इसमें आ गया पर्सन एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली व्हिच आर नियर। ओके, और यहां पर वही हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट सॉरी पर्सन एबल टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली व्हिच आर फार। ठीक है, रिलेटिवली कैसे हो गए,
फादर होंगे उसको देख सकता है, यहाँ पर नियरर होंगे उसको देख सकता है, ठीक है। और किसको नहीं देख सकता, तो दूर वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, और यहाँ पर पास वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ ये क्या हो गया लेंस, ठीक है, और दूर से जो आया तो ऐसा हुआ, क्या हुआ कि वो दोनों यहां पर मिलने चाहिए थे लेकिन यहां पर मिले नहीं, तो यहां पर मिल गए, ठीक है। और यहां पर क्या प्रॉब्लम हुआ देखो, पास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखो ये दूर का था इसीलिए पैरेलल लाइन आ रही थी, लेकिन ये पास का है इसीलिए ऐसे आएगी। और प्रॉब्लम क्या होगा, पीछे मिलेगा यहां प्रॉब्लम हो गया, यहां पर प्रॉब्लम हो गया, मिलनी कहां चाहिए थी यहां, लेकिन यहां आगे आ गया, वहां पर पीछे चला गया, मतलब कि दोनों में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कहां इमेज फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यहां पर इमेज कहां बनती है, इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और यहां पर क्या बनती है, इमेज फॉर्म बिहाइंड रेटिना। देखो इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द रेटिना, यहां पर इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो देखो ये प्रॉब्लम हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइट, ये पोस्टर क्या पे नोट कर लेना, ठीक है, हाँ, तो ये लाइट यहां पर कन्वर्ट हो गई ना, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा कन्वर्जेंस, एक्स्ट्रा कन्वर्जेंस इज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया गया, एक्स्ट्रा कन्वर्जेंस ऑब्जर्व किया गया, मतलब कि जल्दी कन्वर्ज हो गया, और यहां पर क्या ऑब्जर्व किया गया, लेस कन्वर्जेंस इज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया गया, लेस कन्वर्जेंस इज ऑब्जर्व, थोड़ा कम कन्वर्जेंस ऑब्जर्व किया गया और यहां पर ज्यादा कन्वर्जेंस ऑब्जर्व किया गया। अगर कन्वर्जेंस ज्यादा है तो उसको कम करना होगा, और अगर कन्वर्जेंस कम है तो उसको ज्यादा करना होगा, समझना आया। देखो यहां पर कन्वर्जेंस कम है, क्यों कन्वर्जेंस कम, मतलब क्या कि इतना जल्दी वो मिल नहीं जाती, मतलब कि इतना जल्दी कन्वर्ज नहीं हो जाती, कन्वर्ज कम है, और यहां पर और जल्दी मिल जाती है, तो इसका मतलब यहां पर कन्वर्जेंस ज्यादा है, तो इस कन्वर्जेंस को हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा कम करना होगा। अच्छा पहले मैं आपको ये बोल दूं कि ये कन्वर्जेंस ज्यादा क्यों हुआ और ये कन्वर्जेंस कम क्यों हो गए। लेंस बिकम थिकर, लेंस थिक बन गए, एंड हियर लेंस बिकम थिनर, लेंस थिन हो गया, और यहां पर लेंस ठीक हो गया, मैं अच्छी तरीके से इसको ड्रॉ करूं तो ऐसा लेंस यहां पर ठीक हो गया, जिसकी वजह से फोकल लेंथ कम हो गई और पहले मिल गया, यहां पर लेंस रिलेटिवली क्या हो गया, थिन हो गया,
जिसकी वजह से क्या होगा कि फोकल लेंथ बढ़ गई। ठीक है, समझ में आया, फोकल लेंथ बढ़ गई जिसकी वजह से क्या होगा कि कन्वर्जेंस थोड़ा सा कम हो गया। आपको पता होगा फोकल लेंथ कम पावर ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा पावर कम, तो यहाँ पर फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा एक्स्ट्रा कन्वर्जेंस, यहाँ पर फोकल लेंथ ज्यादा पावर कम लेस कन्वर्जेंस। समझ में आया। अच्छा, अगर हमें कन्वर्जेंस कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा लेंस लाना पड़ेगा जो लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दे, क्या कर दे, डाइवर्ज, जिसकी वजह से क्या होगा लाइट थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज हो जाएगी तो वो कहां मिलेगी, मतलब कि हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, डाइवर्जिंग लेंस। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें कन्वर्जेंस कम करना है ना, इसलिए। तो अब यहां पर आप खुद ही सोच सकते हो कि हमें यहां पर कन्वर्जेंस बढ़ाना है तो कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर यहां पर हम कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेते हैं तो ये थोड़ी सी कन्वर्ज हो जाएगी और जिसकी वजह से वो जो यहां पर मिल रही थी वो कहां पर मिलेगी, यहां पर। ठीक है, तो ये जो है डाइवर्जिंग लेंस यूज किया गया और यहां पर क्या यूज किया गया, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये जो है पर्सन उसको आप बोल सकते हैं कि भैया तेरे नेगेटिव नंबर से, और इसको क्या बोल सकते हो, तेरे पॉजिटिव नंबर है। क्यों, क्योंकि ये है कॉनकेव लेंस यूज कर रहा है, कॉनकेव लेंस के फोकल लेंथ नेगेटिव होते हैं, पावर नेगेटिव होता है, मतलब कि नेगेटिव पावर का लेंस यूज करेगा। कॉनवेक्स लेंस उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, उसका पावर पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव नंबर वाले स्पेक्टेकल्स को यूज करेगा। ठीक है, क्या आपको इस बात आया, हाँ, तो इमेज कहां पर फॉर्म हुई, रेटिना पर फॉर्म हो गई। ठीक है, हमने लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, लेंस बिकम थिकर और लेंस बिकम थिनर। ओके, अब ये डिफेक्ट को कौन क्योर करेगा, क्योर्ड बाय डाइवर्जिंग लेंस, क्योर्ड बाय डाइवर्जिंग लेंस। और यहां पर कौन क्योर करेगा, क्योर्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये तो डिफेक्ट हमने थोड़े से डिस्कस कर लिए, फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी डिस्कस कर लिए। ठीक है, एक बात मैं आपको बोल दूं कि इमेज कहां पर फॉर्म होनी चाहिए, रेटिना पर। ठीक है, तो ये जो लेंस यूज करते हैं इसकी वजह से हमको क्लियर दिखता है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दिया, नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दिया। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को उस जगह पर लाकर रख दिया जहां पर हमें कंफर्टेबल दिखता था। वो एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट को जो फार साइटेडनेस है, सॉरी नियर साइटेडनेस, दूर का नहीं देख सकता, मतलब किसी डिस्टेंस तक देख सकता है, फॉर एग्जाम्पल वो एस डिस्टेंस तक देख सकता है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ। ठीक है, अभी वो एक्स डिस्टेंस तक देख सकता है, कितने डिस्टेंस तक, एक्स, आई सी ये जो लेंस है उससे कितने डिस्टेंस तक देख सकता है, एक्स डिस्टेंस तक। तो इमेज कहां पर फॉर्म होनी चाहिए, एक्स डिस्टेंस तक फॉर्म होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट एक्चुअली में है कहां पर, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां होनी चाहिए, एक्स डिस्टेंस पर। और ये क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ रिक्वायर्ड वन अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वन अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ, तो एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस एक्स। इतनी फोकल लेंथ वाले लेंस उसे चाहिए, किसमें, मायोपिया में। देखो ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जिंग लेंस था, तो समझ में आ गया ना आपको। इस तरह यहां पर क्या होगा, देखो यहाँ पर
नियर ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख सकता, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखो तो उसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, देखो 25 सेंटीमीटर है लेकिन उसका नियर पॉइंट कहीं और चला गया है। तो 1/v - 1/u = 1/f, सोचो कि वो x डिस्टेंस पर देख सकता है तो उसकी इमेज कहाँ पर होनी चाहिए, -1/-x। और हम अगर ऑब्जेक्ट को d पर रखे, कहाँ पर रखे, d पर, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 1/-p = 1/f। तो अगर हमें दिया है कि हाँ भैया कि वो बंदा x डिस्टेंस पर देख सकता है, ठीक है, उससे कम डिस्टेंस पर नहीं देख सकता, तो क्या होगा कि हम 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे लेकिन उसकी इमेज वो जो लेंस में जब देखेगा तो इमेज कहाँ बनेगी, जिस डिस्टेंस से वो क्लियर देख सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहां से जब रे आएगी तब वो कन्वर्ट होकर इजीली रेटिना पे जाएगी, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड फोकल लेंथ कितनी होगी, ये ओके। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर कॉनकेव लेंस। किसी किसी बंदे को ऐसा प्रॉब्लम है कि दूर का भी नहीं देखता और पास का भी नहीं देखता, तो उसको डबल लेंस यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब कि ऐसे ऊपर वाला है वो क्या है कि वो फार साइडेडनेस में, सॉरी नियर साइडेडनेस है तो वो कन्वर्जिंग होगा, सॉरी डाइवर्जिंग होगा, नीचे वाला है वो कन्वर्जिंग होगा, ठीक है। प्रॉब्लम होते हैं एज जब होती है तब, कभी कभार हम ऐसा बोलते हैं कि ये सिलियरी मसल की वजह से हो गया, सिलियरी मसल ने ऐसा नहीं किया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं बोल सकते। कभी कभार क्या होता है, देखो ये आईबॉल है, यहाँ पर इमेज पंप होनी चाहिए और ये लेंस है, लेंस तो अच्छा वर्क कर रहा है, इमेज यहाँ पर पंप होनी चाहिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये थोड़ा सा इधर चला गया, ये जो बॉल है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो अपना अच्छी तरीके से काम कर रहा है लेकिन इसने अच्छी तरीके से काम नहीं किया, तो इसको कभी कभी बोलते हैं हम प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। और एक और छोटा सा डिफेक्ट है वो हम डिस्कस करके कंप्लीट करते हैं, वो है एस्टिगमेटिज्म। देखो आप खुद ही चेक करो, मैं नहीं बोलूंगा, 1 1-2 2-3 3-4 4-. अब लेंस की जब पूरी जो कर्वेचर है, ऐसी कर्वेचर पूरा जब स्फेरिकल नहीं रहता है तब ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्या हुआ कि ये सब लाइन की इंटेंसिटी सेम है, लेकिन अगर कर्वेचर में प्रॉब्लम होता है तो बंदे को क्या दिखता है, ये 1/1 वाली क्लियर दिखती है, लेकिन उसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ये ब्लर, ये क्लियर दिखती है और ये ब्लर दिखती है। इसका प्रॉब्लम कर्वेचर की वजह से हुआ, अगर वो उसको टर्न करके देखेगा तो उसको ये 3/3 वाली क्लियर दिखेगी जबकि 1/1 वाली क्लियर नहीं दिखेगी। ऐसा जो प्रॉब्लम है जिसमें आप एक प्लेन क्लियर देख सकते हो और दूसरा परपेंडिकुलर प्लेन क्लियर नहीं देख सकते, उस डिफेक्ट को क्या बोल सकते है, एस्टिगमेटिज्म। ओके, पर्सन इज एबल टू सी क्लियर इन एनी स्पेसिफिक प्लेन बट नॉट एबल टू सी क्लियर इन अदर प्लेन, या तो अंदर प्लेन, ठीक है। इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, एस्टिगमेटिज्म। और इसको भी सोल्व किया जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम मतलब कि जो क्रिएट हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं, इससे सिलिंड्रिकल लेंस से, ठीक है। तो ये पूरा आई का डिस्कशन हो गया, डिफेक्ट के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में और पूरा कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर रे ऑप्टिक्स के सारे कंसेप्ट, उसके बाद में उसके एप्लीकेशन सब खत्म हो गए। अब एक लास्ट लेक्चर में हम थोड़े से एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। नमस्कार।